So I invite, thank you, ma'am. I invite Mr. Suresh for start his demonstration and address. मैं सुरेश कुमार दिल्ली से. गुड इवनिंग एवरीवन. कोशिश करूंगा कि आपको सही ढंग से समझा पाऊं. सबसे पहले तो क्या करते हैं कि अगर हम मिट्टी में कोई स्टैचू बनाते हैं तो या तो हम डायरेक्ट मिट्टी के अंदर उसके अंदर काम कर सकते हैं और या हम कोई भी एक आर्मेचर तार का बना के उसमें शुरू कर सकते हैं. तो मैंने एक ये आर्मेचर बनाया हुआ है तार का. देखिए आप, एक तार लगाया हुआ है इसके अंदर, कोई भी एक तार जिस हिसाब से जो आराम से मुड़ जाए, उसके ऊपर मैंने सुतली लगाई हुई है ताकि मिट्टी को ये पकड़ ले. मिट्टी भी जो है चिकनी मिट्टी जो ऑर्डिनरी जो मिलती है कुम्हार के पास, उसको हम यूज कर सकते हैं. ज्यादा ही चिकनी अगर मिट्टी है तो उसमें हम थोड़ा सा बालू रेत मिला के उसको मिक्स करके हम यूज कर सकते हैं. तो मेरे पास मिट्टी है चाइना के लिए, ये थोड़ी वाइट होती है, चिकनी मिट्टी से थोड़ी बेहतर होती है हल्की. तो मैं इससे शुरू करता हूँ. इसका कलर भी जो थोड़ा देखेंगे आप जो है डिफरेंट कलर है. नॉर्मल जो मिट्टी मिलती है काली मिट्टी चिकनी मिट्टी, उससे थोड़ा डिफरेंट है ये. जल्दी से क्रैक नहीं होता ये. और ये इसमें मैं काम शुरू करता हूँ. तो मिट्टी का क्या है कि पहले मिट्टी को नीचे से लगाएंगे, बेस से. किसी भी काम को शुरू करने के लिए हमारा क्या है कि जो जैसे कहते हैं ना मकान बनाते हैं तो हमारी नींव मजबूत होनी चाहिए. इसी तरह से अगर हम कोई स्कल्पचर शुरू करते हैं तो उसके बेस को नीचे से मजबूत कर लें पहले, ताकि वो तार अगर मामूली सा अगर कील के द्वारा अगर वो हिल भी रहा हो तो वो ना हिले. तो मैं नीचे बेस में मिट्टी लगा रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा. सीधा कर देता हूँ इसको थोड़ा सा, देखिए. मिट्टी जो है वो ज्यादा गीली नहीं होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए जो आराम से, जैसे आटा हम गूंदते हैं, आटे की गूंदने की जो तरह ही हम ये मिट्टी रखें, ज्यादा पतली मिट्टी ना रखें. और इसको हम मिट्टी को पकड़ पकड़ लगा सकते हैं. ज्यादा गीली मिट्टी अगर होगी तो लगाने में दिक्कत होगी और सारे हाथ भी खराब हो जाएंगे आपके. अब मैं मिट्टी लगा रहा हूँ. जरा मिट्टी को ना थोड़ा सा दबा दबा के लगाइए आप, हल्के हाथ से मिट्टी ना लगाएं. थोड़ा मिट्टी को अगर जितना कोशिश करें कि उस मिट्टी को हाथ से थोड़ा वो मुलायम कर लें इसको, तो उससे क्या होगा कि ये जो कई बार दिक्कतें आती है कि जब हम काम करते हैं तो उसके अंदर ना क्रैक्स आ जाते हैं मिट्टी के अंदर. तो जब हम इसको अच्छी तरह से मिट्टी को गूंथ लेंगे ऐसे ऐसे कर करके आपस में, तो क्रैक नहीं आएंगे हमारे. तो इसको हम दबा दबा के लगाएंगे. कोशिश करनी है कि हम मिट्टी जो हम लगाते हैं तो उसको हाथ के प्रेशर से हम इसको दबाव देना है ताकि वो आपस में चिपक जाए. जब हम किसी भी चीज की शुरुआत करते हैं तो हमें पता ही नहीं होता कि हम क्या बनाने वाले हैं. जब हम मिट्टी लगाते जाते हैं तो कोई ना कोई लगाते हुए कोई ना कोई फॉर्म कोई स्ट्रक्चर हमारे दिमाग में घूमता रहता है. अब ये मिट्टी लगा रहा हूं मैं अभी आपके सामने. अब ये मिट्टी मैंने लगा दिया आपके राउंड करके, देखिए.
इधर पूरी मिट्टी धीरे धीरे करके मैं मिट्टी चारों तरफ लगा देता हूँ। एक मिनट बताता हूँ। अब मैंने मिट्टी लगा दी है चारों तरफ से ना, अभी इसमें अंदर कोई फॉर्म नहीं है, किसी तरह कोई कुछ नहीं है, लग रहा है एक मिट्टी लगा दी है और बीच में से एक होल है बस सिर्फ। अब क्या हुआ है कि जब हम मिट्टी को लगाते हैं तो मिट्टी लगाते लगाते जो है कोई ना कोई फॉर्म हमें इसमें नजर आने लगती है, उसको हमें इंजॉय करना है कि भाई ये फॉर्म क्या है, क्या कर रही है, किस तरह से हमें इसमें काम करना है। तो किसी भी फॉर्म को हम उसके अंदर उभार सकते हैं। कभी करते हैं जब बच्चे बच्चे जब हम काम करते हैं बचपन के अंदर मिट्टी से खेलते थे तो बीच वो बालू रेत से बनाते थे मिट्टी को, और जब बनाते थे तो उसको बिगाड़ देते थे, फिर बनाते थे फिर बिगाड़ देते थे। तो जब मिट्टी से हम खेलते हैं तो कोई ना कोई फॉर्म हमें नजर आने लगती है अपने आप ही। तो जब मिट्टी से काम करेंगे कोई ना कोई फॉर्म हमें बनानी पड़ेगी इसके अंदर। अब किसी ना किसी फॉर्म को निकालने के लिए कोई शेप देता हूं मैं इसके अंदर अभी। एक फेस बनाता हूं ताकि वो सबकी समझ में आ जाएगा कि हम किस तरह से मिट्टी लगाते लगाते ही उसके अंदर किसी भी फॉर्म को निकाल सकते हैं। मिट्टी का यह है कि जितना मिट्टी को मैच करेंगे आपस में उतना अच्छा है, उसमें वो क्रैक वगैरह नहीं आएंगे और मिट्टी कभी फटेगी भी नहीं जल्दी से। मिट्टी लगाते लगाते ही हमें इसके फॉर्म को भी इंजॉय करना है कि किस तरह से फॉर्म हमें निकालनी है, कैसे बनाना है। अभी जैसे मैं काम कर रहा हूँ धीरे धीरे करके एक सिरे से, कोशिश करनी है कि मिट्टी को ना हमेशा दबा के लगाएं, मतलब मिट्टी को लूज नहीं छोड़ना हमने कभी भी। मिट्टी को मैच करना है।
जब मिट्टी से काम करते हैं तो हमारे जो है हाथ उंगलियां अंगूठे सारे एक साथ काम करते हैं। अब देखिए हल्का हल्का ये फॉर्म एक आने लगा है। बीच बीच में हम इस फॉर्म को भी अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जो हम काम करते रहते हैं धीरे धीरे करके हमारा एक स्टाइल भी डेवलप होता रहता है। ये एक फॉर्म जो है वो निकल के आ रही है। अभी क्या है कि एक रफ स्पेस स्केच बन गया है हमारे पास सामने। रफ स्केच बनने का मतलब है कि हमें करना क्या है, हमें बनाना क्या है। थोड़ा हमारे पास एक आइडिया आ जाता है कि हमें इस आइडिया को लेके अब आगे इसको कंप्लीट करना है। और मिट्टी में क्या है कि मिट्टी में सबसे बड़ी बात ये होती है कि मिट्टी के अंदर काम जब हम करते हैं तो हमारे पास पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। हम उसको किसी भी स्टेज के अंदर आके और उसको चेंज कर सकते हैं काम को, तो किसी भी स्टेज में उस काम को छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। इसमें दो तरह की चीजें, दो तीन तरह की चीजें होती हैं। एक हम एब्स्ट्रैक्ट काम करते हैं, एक हम रियलिस्टिक काम करते हैं, और एक हम कंटेम्परेरी क्रिएटिव काम करते हैं। तो ये सब बच्चों के ऊपर है कि हमारी जो सोच है हम क्या सोचते हैं। कई बार क्या होता है जब हम काम करते रहते हैं तो हमारी अपनी जो सोच है, हमारा जो अपना आईना है, हमारा जो अपना करेक्टर है, वो हमारे जब हम वो जो काम करते हैं उसमें झलकने लगता है। क्योंकि क्या होता है जब हम चीजें देखते हैं, कहीं शहर में जा रहे हैं, कहीं बाजार में जा रहे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम उन चीज़ों को उस समय नहीं बना पाते हैं, लेकिन वो चीज़ें हमारे दिमाग में रहती है। जब हम कभी कभी शांत मन से कोई चीज़ काम करते हैं, कुछ करते हैं, तो वो फिर चीज़ें हमारे ऑटोमेटिकली हमारे अंदर से वो चीज़ें निकलने लगती हैं। कई बार वो हम पेंटिंग के माध्यम से निकाल लेते हैं, कई बार वो हम स्कल्पचर के माध्यम से निकाल लेते हैं। सबका अपना अपना तरीका है, लेकिन आर्ट एक ऐसी चीज़ है जो हमारे अंदर हमेशा पॉजिटिवनेस लाती है। कोई भी अगर नेगेटिव बंदा भी अगर आर्ट को नेगेटिविटी उसके अंदर अगर आ गई है गलती से, तो अगर वो आर्ट के अंदर रुचि लेगा और कुछ ना कुछ नया बनाने की कोशिश करेगा तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर अच्छा एक दूसरे प्रति व्यवहार अच्छा रखना, पॉजिटिव सोचना, ये धीरे धीरे चीजें उसके अंदर आने लगेगी। इसके अंदर हम ना टूल भी यूज कर सकते हैं। अगर हाथ से काम ना चले तो हम टूल यूज, ये टूल यूज कर सकते हैं। इस तरह का नाइफ यूज कर सकते हैं। टूल अगर ना हो किसी के पास तो हम नाइफ का यूज भी कर सकते हैं। पर टूल का यूज हम तभी करते हैं जब हमें कोई डिटेल निकालनी होती है।
और नहीं तो हम जो है इसको अंदर रफ काम करके भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं अपने इस पत्थर को। अब भैया देखिए इधर से कुछ टेप नजर आने लगी है इधर से, अगर आप थोड़ा दिख रहा हो तो। जी सर, एक फेस की शेप दिख रही है। हाँ, एक फेस जो है, एक नेचर के अंदर से एक फेस निकलता हुआ नजर आ रहा है हल्का सा जो है। क्या होता है जब एक आर्टिस्ट काम करता रहता है ना जगह लगातार जो है, तो इसका ना एक स्टाइल डेवलप हो जाता है धीरे धीरे करके, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, इतने सारे आर्टिस्ट हैं, इतनी सारी फील्ड हैं, और क्या है कि आर्ट का जो होता है वो सब इंटरनेशनली लेवल पे और जितने भी आर्टिस्ट हैं सब अपना अपना स्टाइल ना डेवलप करते हैं धीरे धीरे करके, कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो काम जो है वो हमारे नाम को ना देख के हमारी जो अपनी एक पहचान है कि भाई ये उनका काम है, तो वो धीरे धीरे करके ना झलकना चाहिए कि ये उनका काम है। क्योंकि नाम की तो क्या है कि बात बाद में आती है कि भाई उनका नाम, नाम पड़ गए तो कोई बता देगा कि ये भाई उनका काम है ना। पहचान ये होनी चाहिए कि जो बिना नाम देखे ही जो है वो बता दे कि भाई उनका ये वर्क है, ये उनका वर्क है। सर मैं स्टूडेंट्स की तरफ से साथ साथ एक क्वेश्चन पूछूं आपसे। हाँ हाँ बोलिए। मेरे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि एक सा ही काम करते रहने से हम अलग अलग कैसे मतलब करेंगे, आप जैसे बात कर रहे हो स्टाइल की, तो बच्चे कोशिश करते हैं कि एक ही फिगर को लेके काम करें। नहीं, काम एक जैसा नहीं करना है, एक स्टाइल डेवलप करने के लिए। जैसे मान लो हमने कोई चीज बनाई तो हम क्या अपनी स्टाइल को कैसे डेवलप करें, कोई ना कोई ऐसी चीज होनी चाहिए, कोई ना कोई स्ट्रोक होना चाहिए, कोई ना कोई ऐसा टेक्सचर होना चाहिए, कोई ना कैसे कोई शेप टेक्सचर कलर लेके हम कुछ कर सकते हैं उस तरह। हाँ, कोई भी कलर लेके हम उसको कर सकते हैं ताकि देखने से लगे वो एक काम नहीं है, लेकिन वो आपका स्टाइल है। स्टाइल मतलब क्या, इधर देखा होगा आपको, ये आंखें बड़ी सुंदर बनाता है, कोई आंखें मछली की तरह बनाता है, है ना। तो जरूरी नहीं है कोई आंखें, जैसे मतलब कलर में अगर हम काम करते हैं तो जरूरी कोई आंखें व्हाइट होती है वैसे नॉर्मली जो है, कई लोग रेड बनाते हैं, कई लोग ग्रीन बनाते हैं, कुछ लोग बहुत बड़ी बड़ी आंखें भी बनाते बड़ी बड़ी हैं, बनाते हैं। क्या होता है कि उतनी बड़ी आंखें होती नहीं है, लेकिन उनका अपना स्टाइल है बड़ी आंखें बनाने का। उनकी सोच है कि हम किसी को भी अगर देखते हैं तो अपनी आंखें ज्यादा खुली हुई रख के देखना चाहिए हमारे को, किसी को सोचना चाहिए। तो वो क्या करते हैं कि अपनी उनकी आंखें जो बड़ी बनाते हैं। तो इस काम एक जैसा नहीं होना चाहिए, लेकिन काम में एक स्टाइल होना चाहिए कि कोई भी करो। कई बार क्या करते हैं कि हम नेट जब देखते हैं, नेट पे इतने सारे काम हैं तो हम कोशिश करते हैं उनकी तरह कॉपी करने की। मैं तो कहता हूँ नेट देखो, लेकिन इसलिए देखो कि जो हम काम कर रहे हैं वो कहीं नेट पे है, अगर वो नेट पर है तो अपना स्टाइल चेंज कर दो, क्योंकि नेट वाले तो करेंगे नहीं, जो आर्टिस्ट पहले काम कर चुके हैं वो तो चेंज करेंगे नहीं। तो अच्छा है कि जो हो चुका है उसको छोड़ दो, जो नहीं हुआ है उसको सोचो कि हमें क्या क्या नया करना है, ये मेन है हमारे लिए। अब कर क्या करते हैं, जैसे कमर्शियल में आर्ट में तो ये होता है कि हम कुछ ना कुछ एक इधर से लिया, एक उधर से लिया और एक अपना बना दिया, है ना। हाँ, डिजिटल कोलाज में। हाँ, डिजिटल कोलाज बना दिया, तो वो जो डिजिटल कोलाज जो बनाएगा वो उसका हो जाएगा कि भाई उसने बनाया है ये, है ना। लेकिन क्या है कि आर्ट की जब कंटेम्प्रेरी की बात करते हैं और जो अपनी प्रोफेशनल की बात करते हैं तो टोटली वो हमारा होना चाहिए, है ना। जो चीज लोगों ने बना दी है अगर उसमें उसी में हम अगर काम करेंगे तो हमारे में उसमें अंतर ही क्या है। फिर कई बार क्या होता है कि मान लो हमारे एक फ्रेंड है, दो लोग हम साथ में काम कर रहे हैं तो काम ना सेम सेम लगने लगता है, कई बार कॉपी नहीं करते हैं, लेकिन क्या क्या होता है जब हम साथ में रहते हैं तो हमारी विचारधारा मिलने लगती है। जब ये विचारधारा मिलने लगती है तो काम में भी उसका प्रभाव आ जाता है। कई बार कहते हैं जैसे हमारे जो गुरु जी हैं उनका प्रभाव हमारे ऊपर कैसे आ गया हमें पता ही नहीं लगा। हाँ, होता है ना, वो तब इसलिए होता है कि हम गुरु जी को ज्यादा ही फॉलो करते हैं, वो कैसे काम करते हैं, कैसे उठते हैं, क्या टेक्निक से यूज करते हैं, कौन से टूल लगाते हैं, मिट्टी को कैसे गूंथते हैं, तो वो सारी चीजें वो धीरे धीरे करके उनके साथ रह रह के हम भी उन चीजों को
डेवलप करने लगते हैं, उस चीजों को अपनाने लगते हैं, तो वो वाला जो भाव है वो हमारे अंदर आने लगता है उस तरह से। आप देख ले मोस्टली तैयारी हो गया, थोड़ा मेरे को मैं अभी लाइनिंग वगैरह देता हूँ उसके अंदर। सुरेश जी एक प्रश्न मेरा भी है। हाँ जी बोलिए। ये बताइए कि आर्ट आपके इमेजिनेशन में है या आपके उंगलियों में है? नहीं, दरअसल क्या है कि जब आर्टिस्ट काम करता है तो पहले तो उसे पता ही नहीं होता कि वो क्या बनाने वाला है, लेकिन जब वो काम करता रहता है तो वो धीरे धीरे क्या है, उसका दिमाग, दिल, सब चीज सोचने लगती है कि क्या बनाना है। और जब बनाता रहता है तो बीच बीच में ना सोचता भी रहता है। कोई अगर कह दे हमें कि हमें ये चीज बनानी है, सोच के बनानी है, मैं शर्त लगाता हूँ वो बनेगी नहीं आपसे जब तक उसके अंदर फीलिंग नहीं आएगी। क्योंकि जब तक हम जो काम हम कर रहे हैं तो हमारे भाव, हमारी फीलिंग साथ जुड़नी चाहिए, है ना। कई बार कोई मेरे को कहता है यार एक ना बुल चाहिए, तो मैं बना तो दूंगा उस समय जो है, लेकिन मेरे एक्सप्रेशन, मेरे भाव नहीं आ पाएंगे। जो मैं बना रहा हूँ वही बना दूंगा फटाफट करके, जब किसी ने कुछ कहा भी ऐसे बना दो जो है। जब तक मेरी फीलिंग उससे जुड़ेगी नहीं, वो आर्ट का मुझे तो लगता नहीं है कि कोई मतलब होना चाहिए। इससे क्या क्या ये तो कहते हैं कि काम करते रहो और क्या बनने वाला है वो तो बाद में पता लगेगा कि हमने क्या बनाया। क्योंकि आर्टिस्ट का क्या करता है, आर्टिस्ट के बाद ना काम को बीच में ही छोड़ देता है, उसे लगता है यार इतना ही कंप्लीट आई है, इसमें अभी हमें और कर कुछ नहीं करना है। लेकिन क्या होता है कि जब हम काम करके रख देते हैं उसको, और अपने काम को भी हम एक साल के बाद में जब हम उस काम को देखते हैं तो हमें खुद को ही लगता है यार हमने क्या बनाया था, ये इसमें तो बहुत सारी कमियां हैं, इसमें तो हमें बहुत पॉसिबिलिटी होती है और हम ये कर सकते थे इसके अंदर जो है, एक्सपीरियंस ऐड होता रहता है ना। यस, उसके अंदर क्या है कि जो हमारी जो सोच है, जो हमारी एक्सपीरियंस है, वो हमारा डे टू डे ऐड होता रहता है। जो हमने उस दौरान बनाया उसको और जो हमने 10 साल के बाद में सोचा, तो हमारी सोच में फर्क आ गया। और जब हमारी सोच के अंदर फर्क आ गया तो जो हमने जो बनाया था वो जो काम है उस काम के ऊपर भी हमारा प्रभाव पड़ने लगा। तो यही होता है कि एक्सपीरियंस जितना होता है उसके काम उतना ही निखार आता है उसके अंदर। अच्छा, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज मैं देख रही हूँ कि जब स्टोन में काम करने वाले माइकल एंजेलो की मैंने एक ऑटोबायोग्राफी पढ़ी थी लस्ट फॉर लाइफ, तो उसमें वो कहते हैं कि जो स्कल्प्टर है, स्कल्प्ट है वो मार्बल में छिपा हुआ है, और स्कल्पचर क्या करता है कि एक्स्ट्रा मार्बल को हटा देता है उस स्कल्प को बाहर निकालने के लिए। और लेकिन क्ले में मैं देख रही हूँ कि आप अपने फिगर को या मूर्ति को बाहर निकालने के लिए आप उसमें ऐड कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, चढ़ाना होगा होता है। हाँ, मेन तो क्या फीलिंग जो है, क्या होता है जो चीज, अगर हम मतलब स्टोन की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर वो छुपा हुआ वो होता है जो हमारी अंदर फीलिंग में होता है। एग्जैक्टली। और ये जो मैं ऐड कर रहा हूँ ये मेरी ना फीलिंग में है कि मैं मेरे भाव में है, इसको ऐड करके बनाऊंगा मैं, इसको जो है मेरे को ये बनाना है। तो दिस इज द डिफरेंस ऑफ द मीडियम। हाँ, यस। अब वो माइकल एंजेलो है, उनका नाम इतना हो गया है, उन्होंने कहा कि जो पत्थर जो एक्स्ट्रा था उसको मैंने निकाल दिया, तो बात वही की वही है। मेन तो जो चीज हमें निकालनी थी वही हमने निकाली ना। हाँ। अगर हम सारे पत्थर को निकाल देते तो वो क्या बचता है, क्या उसमें कुछ भी नहीं बचता। तो वही बात है कि आपके इमेजिनेशन में जो फिगर बन रही है या बनी है, दैट इज द फर्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग विच गेट्स मेन रियलाइज्ड और विच कम्स इन द फॉर्म ऑफ आइदर थ्रू क्ले और थ्रू मार्बल। अभी क्या है कि जैसे हम काम करते रहते हैं ना, जैसे तो कोई लाइन है, टोन्स है, वो भी इसमें सब ऐड होती रहती है। अभी क्या है कि जो मेरी जो नई जो सीरीज बन रही है उसी सीरीज का मैंने एक पार्ट बनाया है इसके अंदर, कि जो हमारी जो ग्लोबल वार्मिंग, अब तो खैर चेंज, सब सारा कुछ ही चेंज हो गया है, वो चीजें सब खत्म हो गई हैं। कोरोना ने ठीक कर दिया, कोरोना ने सब चेंज कर दिया है। हाँ, नहीं तो मैंने पहले जो मेरी सीरीज चल रही थी ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर ही जो है, कि किस तरह से जो नेचर जो है धीरे धीरे करके हमारी जो लाइफ
को वो धीरे धीरे करके खत्म करने कर देगा। तो मैं इसमें ट्री, नेचर उस तरह का और ना ह्यूमन बीइंग की फिगर फेसेस ये बनाता था इसमें जो है। अभी जब से ये कोरोना के चक्कर में आया है तो हमारी जो सोच थी वो धीरे धीरे करके ही वो सारा कुछ दिमाग जो है ना इधर से उधर मतलब ऑटोमेटिकली अपने आप चेंज हो जाता है। तो इसके अंदर भी मैंने जो है ये एक फेस बनाया, देखिए आप जरा यहाँ पे हाँ। ये फेस है जो है। अभी डिटेल मैंने निकाली नहीं है क्योंकि डिटेल का एक लगना चाहिए, डिटेल में तो निकालने में चाहिए इसमें 2 दिन लगा दूं, 4 दिन लगा दूं, 1 घंटे में हो जाए, 10 मिनट में हो जाए, है ना एकदम साइड फेस बहुत सुंदर लग रहा है। और ये मैंने देखो एक लाइन भी लगाई यहाँ से ना, ये लाइन दी है ना, ये इसकी जो लाइन ये है इसमें क्लियर नहीं आ रही है, ये एक लाइन है। तो ये मैं लाइन ना हमेशा देता हूँ अपने उसमें फेस उसमें स्कल्पचर वगैरह में जो अंगूठे से देता हूँ ताकि ये जो लाइन जो है ना मेरी क्लियर से नजर आ जाए। अभी मैं इसके नजर ब्रश वगैरह लगाऊं। So this is your style. Yes. और ये जो है ना ये जो पीछे नजर आ रहे हैं आपको ये मैं ना अपने हाथ के इम्प्रेशन देता हूँ ये वाले, ताकि जो मेरे स्कल्पचर अभी मैंने एक वीडियो बनाई थी लेकिन मुझको ऐड कैसे करना मुझे मालूम नहीं है, छवि को मैंने भेजी थी वीडियो, अगर वीडियो अगर हो चलानी है तो चला सकते हैं, उसमें थोड़ा सा स्टाइल का आईडिया हो जाएगा जब आप कहेंगे, है ना। तो ये मैं क्या कि जो मेरे हाथ के जो ग्रिप है ना मैं उनको फील करता हूँ यहाँ पे, चाहे वो छोटा स्कल्पचर हो या बिग साइज का स्कल्पचर हो, तो सभी के अंदर मैं थोड़ा थोड़ा अपने आप को फील करता हूँ उसके अंदर ना, ग्रिप को जो है इस तरह की चीजें को मैं बनाता हूँ उसके अंदर। अब इसमें भी यही है कि मैंने एक फेस बनाया है, इसको डिटेल निकालने के लिए तो इसमें काम हम कितना भी करते जाएंगे तो कम पड़ जाएगा, तो जितना भी काम करेंगे वो कम ही होगा, क्योंकि स्कल्पचर क्या होता है, स्कल्पचर या पेंटिंग जितने भी हम आर्टिस्टिक व्यू जो कहते हैं ना वो कभी कंप्लीट होता ही नहीं काम जो है। और जब भी हम उसको देखेंगे ना सर करते करते ओवर डेकोरेटेड कर देते हैं इसको, उनको नहीं, नहीं पता चलता कई बार जो हम फॉर्म निकालने जा रहे हैं उसको जो है कई बार कहते हैं हम खुद ही अपने काम को बिगाड़ देते हैं करते हैं, हमें खुद ही नहीं पता होता क्या करना है, ओवर हो जाता है। हाँ। ओवर हो जाता है। तो काम का भी ये है कि और काम कोई मुझे नहीं लगता कि कोई आर्टिस्ट को ऐसा होगा कि जिसको बोल दे कि मेरे को सब कुछ आता है। हम तो इस स्टेज में भी ये ना हर स्टेज को सीखते हैं। अभी मैं यहाँ बैठा हूँ तो कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए बैठा हूँ कि चलो कुछ नया सीखने को मिलेगा बच्चों से बात करके, तो एक अच्छी फीलिंग होती है कि चलो हमारे पास कुछ अगर है हम बच्चों को दे पाए तो बहुत बढ़िया, हो सकता है कुछ नए बच्चे ऐसे हों जो हमें कुछ दे दें, क्योंकि आर्ट का क्या है, आर्ट एक आदान प्रदान का एक वो विषय हो गया है। ये आदान मतलब किसी को कुछ आता है किसी को कुछ आता है, किसी के विचार इतने अच्छे हैं कि हम अपनी आर्ट में उसको लाना चाहेंगे। और शुरुआत करने के लिए बच्चों मिट्टी एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी अंदर छुपी हुई प्रतिभा को आराम से कर सकते हैं, इसके लिए ज़्यादा कुछ भी नहीं है। मिट्टी अपने ले लो, किसी भी कुम्हार से ले लो या चिकनी मिट्टी ले लो, कल मेरी बात हो रही थी वंदना जी से कि हमारे यहाँ जो मिट्टी मिलती है वो बड़ी रेतीली टाइप की होती है, ये वंदना जी बोल रही थी। एक दिन काम करने के बाद अगले दिन क्रैक्स बहुत ज्यादा होते हैं तो वो बच्चे हैंडल करना मुश्किल आता है उनको। लेकिन क्या है वंदन जी, जैसे जो चिकनी मिट्टी होती है ना, चिकनी मिट्टी के अंदर भी जो है जब हम स्कल्पचर के लिए इसको यूज करते हैं तो बालू रेत उसमें मिलाते हैं, मतलब जो स्पेशल जो मिट्टी जो होती है स्कल्पचर के लिए वो थोड़ी रेतीली होती है, लेकिन जो आपके यहाँ जो मिट्टी आती है वो नई मिट्टी आती है इसलिए वो क्रैक हो जाते हैं। हाँ, अगर उसी मिट्टी को हम एक साल के लिए रख लें पूरी सीजन नहीं, हाँ तो पूरा सीजन पकड़ने के बाद वो मिट्टी बड़ी ही लचीली हो जाएगी। वो कहते हैं ना आटे को के अंदर हम जितना लोच देंगे बार बार उसको गूंथेंगे तो उतनी अच्छी रोटी बनती है, तो इसी तरह से स्कल्पचर के अंदर भी जितनी मिट्टी को हम आपस में मिलाएंगे तो उतने ही ना क्रैक नहीं आते कभी भी फिर उसके अंदर। और हमेशा जैसे अब इसके अंदर ये मैंने किया है, अगर मान लो ये कुछ करना है इसके अंदर मैं टेक्सचर भी दे सकता हूँ हल्का करके लगा लगा के, छोटे छोटे पॉइंट लगा लगा के कर सकता हूँ, कोई लाइन ऐसे दे सकता हूँ, इस लाइन का टेक्सचर दे सकता हूँ, मतलब वो अपने ऊपर है हम इसको किस तरह से हैंडल कर रहे हैं। तो फेस को ही क्या, मिट्टी का तो एक फायदा ये भी है, अगर मान लो हमें इसका फेस चेंज करना है
किसी जेंट्स का बनाना है या लेडीज का बनाना है, तो हम इसको फिर चेंज कर सकते हैं। लेकिन हम उसी काम को अगर हम स्टोन में कर रहे हैं, वुड में कर रहे हैं, तो नहीं होगा। तो हम उसको बार बार चेंज नहीं कर सकते उसको, फिर उसको इसको तो हम ना डायरेक्ट फील कर रहे हैं, अपने हाथों से फील कर रहे हैं मिट्टी को, एक फायदा तो है। हाँ, और स्टोन वगैरह में क्या आता है, बट हम फील नहीं कर रहे होते, जब हम सोच रहे होते हैं अपने इसकी फीलिंग को, उसके नेचर को ना जान रहे होते हैं उसके अंदर, और टूल हमारे उनके से टच में रहते हैं। और इसमें क्या है कि हम बिल्कुल जुड़े होते हैं, हमारे हाथ बिल्कुल चिपके होते हैं, मतलब वो कहते हैं ना कि जैसे सांस से सांस इससे ऐसा मिल जाते हैं, तो वो हाल मिट्टी का है। तो मिट्टी में काम करना ना सबसे बेस्ट होता है शुरुआत करने के लिए, अगर हम किसी को नई शुरुआत कर रहे हैं तो हमें मिट्टी में काम शुरुआत करनी चाहिए पहले। अब तो ये हो गया कि बच्चों को मना करते हैं, बेटा मिट्टी में मत खेलना, पहले बोलते थे कि चलो मिट्टी में जाके खेलो, ताकि मिट्टी से अगर तुम लोग जुड़ोगे तो कुछ नया ही सीखोगे, कुछ ना कुछ उसके अंदर जो एनर्जी होती है वो फील करोगे, इसको जो है इम्यून सिस्टम भी बूस्ट होगा। हैं? हाँ, इम्यून सिस्टम भी बूस्ट होगा मिट्टी में रहकर। हाँ, अब तो यही होगा कोरोना चक्कर में तो। बिल्कुल, आपके हर स्कल्पचर में बीच में होल क्यों होता है ये बताओ आप। होल होता नहीं है, मैं जो है उसके अंदर ना एक जो है खाली स्पेस को, नेगेटिव स्पेस को लाने की कोशिश करता हूँ जो है। अच्छा, क्योंकि अगर मैं इसको मैं बंद करता, अभी मैंने क्या किया हुआ है, अभी तो मैंने होल किया है इसके अंदर, लेकिन जो मेरे जो नए स्कल्पचर जो आ रहे हैं इसको ना मैं बंद करता हूँ हल्के हल्के, और बीच में ना कोई बड़ा होल, कोई छोटा, कोई बड़ा छोटा, इस तरह से करता हूँ, ताकि जो नेगेटिव स्पेस की जो फीलिंग है ना वो मैं ज्यादा से ज्यादा उसका इंजॉय कर सकूँ। अभी तो एक बड़ा देख रहे हो आप, एक देख रहे हो, तो इसमें कम से कम एक ना फीलिंग आ जाती है, वह ऑटोमेटिकली अपने आप आ जाती है। हमारे गुरु जी थे विमान दास जी जो है, प्रोफेसर विमान दास जी, वो कहते थे कोई भी स्टोन ले लो आप, और स्टोन में एक ना होल कर दो पहले, और होल करने के बाद में ना उसको फील करो कि उसके अंदर क्या है, तो आधा स्कल्पचर तो वैसे ही कम्प्लीट हो जाता है उसके अंदर। आ रहा है, बात नहीं हो भाई ना, ये हिंदी की वजह से। और बताइए इसको हम वैक्यूम भी कह सकते हैं, क्या चीज वैक्यूम भी कह सकते हैं, किसको जो आप बीच में होल छोड़ रहे हैं जैसा कह रहे हैं, निगेटिव स्पेस की जगह इसको हम वैक्यूम भी कह सकते हैं। हाँ, वो अलग अलग लैंग्वेज में आप कुछ भी कह सकते हैं उसके जो है, लेकिन मेन के तो यही है कि हम क्या होता है कि हम जब हम काम करते करते रहते हैं ना जो है, अगर मैं इसको बंद कर दूंगा तो मेरे को क्या है कि मैं एक ही तरफ देख पाऊंगा। अगर मैं इसको बंद कर दूंगा यहाँ से, ये सर आर्ट के एलिमेंट ऑफ आर्ट में है, एक्टिव स्पेस नेगेटिव स्पेस है, मैं इसको ना ये अब दोनों तरफ देख पा रहा हूँ, इसके अंदर फीलिंग अंदर नेगेटिव स्पेस आ रहा है, पीछे का स्पेस भी नजर आ रहा है मुझे, है ना। और अगर इसको मैं बंद कर दूंगा यहाँ से तो मुझे नजर ही नहीं आएगा, पहले एक तरफ से वैसे बंद हो जाएगा ये है इसका। अब ये जैसे देखिए, बहुत सुंदर डिटेल निकालने, तो और डिटेल में भी काम कर सकते हैं, और जितने टाइम के अकॉर्डिंग जितना टाइम है उसके, मैं कहा चलो कुछ बातें हो जाएंगी काम करने, तो फिर काम करने जाऊंगा, बच्चों के पास कुछ जवाब भी होंगे, कुछ सवाल होंगे बच्चों के, बहुत सारे हैं सर। हाँ, अब ये देखिए, ये मैंने एक लाइन जो दी है यहाँ पर जो है, और ये हाथ के जो इम्प्रेशन मैंने दिए ना, ये एक तरह से उसके ना जूड़े का चोटी का भी काम कर रही है। यस, वेरी वेल, है ना, वही वही लग रहा है जी। ये इसको एक पूरा साइड व्यू इसका बहुत सुंदर आया है, बेहद प्रोजेक्टेड इसका साइड व्यू आया है। अगर किसी चीज से मैं इसको अगर रफ कर दूंगा, फिनिश कर दूंगा, तो इसके अंदर और सॉफ्टनेस आ जाएगी। और अभी भी जो फीचर्स की जो क्लैरिटी है, प्रिसीजन है, वो बिल्कुल अच्छे से पता लग रहा है जी मैम जी। ब्यूटीफुल, यही है कि बस काम तो जितना मर्जी कर लो, काम तो कम ही होता है। ये क्ले भी उसी तरह सूखती है जैसे नॉर्मल क्ले सूखती है? नहीं नहीं, ये इतनी जल्दी नहीं सूखती, ये जैसे इको फ्रेंडली वाली बात जो हम करते हैं ना, ये मिट्टी में क्या है कि एक तो बिल्कुल कंकड़ नहीं है। ओके। और जैसा हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस आता है, उसी तरह से कट्टे कट्टे के अंदर आती है मिट्टी ये। ठीक, इसको भिगो और तैयार। और कितने टाइम में सूखेगी?
नहीं, जैसे नॉर्मल मिट्टी सूखती है उससे कम टाइम में सूखती है, अच्छा अगर भिगोनी हो ना जल्दी से तो जल्दी भीग जाती है ये। ठीक। इसका क्या रेशियो होता है सर, पानी का और मिट्टी का? भाई जैसे हम प्लास्टर को डालते हैं उसी हिसाब से डाल दो आप, जैसे आटे आटे का और अच्छा गुथने का जो होता हिलाते है ना हैं। सेम वही है। ठीक, उसी तरह हाथ से गुथेगी। हाँ उस पानी में पहले भर दो मिट्टी डालते जाओ, जब मिट्टी लेना बंद कर देगा तो समझ लो मिट्टी हो जाएगी तैयार। पीओपी की तरह, जैसे वो पानी मिट्टी इसका लेना, फायदा ये पीओपी है कि लेना इस बंद मिट्टी के अंदर करते। ना एक भी कंकड़ नहीं होता इसके अंदर। अगर हम ऐसे करे जाएंगे कोई कंकड़ नहीं कुछ नहीं, कितनी बार भी यूज करो इसको हम आराम से कर सकते हैं। ये देख रहे हैं एक भी कंकड़ नहीं, किस तरह कुछ नहीं है इसके अंदर और सबसे आसान है ये। जितना मर्जी करोगे जितना करोगे उतना अच्छा क्रैक नहीं आएंगे इसमें। जी। और सूखने के बाद ना बिल्कुल व्हाइट नजर आती है ये, रेडिश व्हाइट करके। हाँ ये बहुत अच्छा है, इसका कि कलर ही नहीं करना पड़ेगा, अपने नेचर नेचुरल कलर ही बहुत सुंदर है इसका। का बहुत सुंदर है। अब देख रहे हैं ये मिट्टी जो रखी हुई है ये दिख रही है, हाँ दिख रही है सर। मतलब इसका अपना एक रेशो है। कोई देख हाथ पे भी कम लगती है ये वाली, उतनी सी कीचड़ की तरह नहीं हो रही है ये। ये इसका हैंडलिंग फायदा है। भी इजी लग रही है इसकी, जो नॉर्मल मिट्टी है वो थोड़ा मुश्किल होता है ना हैंडल करना हाँ नहीं, ये बच्चों बिल्कुल के आसान है एकदम से। लिए। सर किस नाम से है ये मिट्टी ये अगर चाय ले? च, चाइना के लिए, चाइना के सेरामिक भी यूज होती है ये, ओके सर। है ना। लेकिन सर आजकल ये जो इसके आगे नाम लिखा हुआ है इससे बहुत परहेज है लोगों को नहीं अब तो ये अब तो चाइना सेरा, तभी तो मैंने बोला सेरेमिक किले के नाम का से आती है अब ये हाँ वो ठीक है सर क्योंकि निकले दरअसल क्या है अच्छा कि पहले बोलते थे कि चाइना की जो पोएट्री जो है वो बड़ी फेमस हो जाती थी, हाँ चाइना तो पोएट्री उसके नाम से इन लोगों ने रख दिया था, लेकिन ये है इंडियन ही। ये नहीं है कि वो ओके चाइना से आती हो कुछ आता हो, ऐसा कुछ नहीं है, जी। लेकिन सेरेमिक है ये। अच्छा ये दोबारा भी इसको रीयूज कर सकते हैं, जैसे बचा हुआ हाँ मिट्टी हाँ है हाँ बिल्कुल, ये तो वो बहुत यूज आसान है, कर सूखी सकते मिट्टी को डाल दो एक दिन में तैयार है। हाँ हैं। ये बहुत अच्छा है इसका। तो इसके अंदर कोई वो दिक्कत ही नहीं है, ये सबसे आसान है। और कट्टे मिलती है, मतलब ये नहीं मिलता कि कट्टा मिलता 50 किलो का, आप ले आओ आराम से बाजार से खरीद के और उसमें आराम से काम हो सकता है। छवि क्वेश्चंस ले लो बाप बेटा हाँ नहीं वीडियो को दिखानी है उनको, दिखा दो बच्चों को एक बार, जी बच्चों को हाँ, या तो पहले वीडियो दिखा दो चार क्वेश्चन और उनके बच्चों के लिए तैयार हो जाएंगे फिर इस बहाने, दो हाँ एक साथ हो जाएंगे है सर। ना। मैं डिटेल थोड़ी निकाल देता हूँ इसके अंदर इतने। जी सर मैं भी वीडियो शेयर करती हूँ। हाँ हाँ सर एक बच्चा पूछ रहा है कि आप टेराकोटा में भी काम करते हैं क्या? ये मुझे भी नहीं पता सर। नहीं टेराकोटा में काम नहीं करता हूँ मैं, मेटल के काम करता हूँ। बहुत सुंदर। ये सर गढ़ी स्टूडियो आपका? हाँ गढ़ी वाला स्टूडियो है ये, आज तो नरेला में बैठा हुआ हूँ, कमरे में बैठा हूँ क्योंकि बाहर काम चल रहा है ना बड़े बड़े इससे वो चल रहे हैं रिलीफ वगैरह, मैं बाहर कूलर भी चल रहा है तो मैंने डिस्टर्बेंस होगा बाहर। हाँ ये वर्क आपका बढ़िया था सर, इसका फिनिश देखा ये मैंने। नए वर्क है ये, क्योंकि पहले तो वीडियो हम लोग बनाते नहीं थे ना, और जब से ये टिकटॉक आया तब से वीडियो बनाने लग गए थे, तब तो टिकटॉक ही बंद कर दिया, अब तो चाइना चक्कर में अब तो यूट्यूब पे डालने के लिए बना लेते हैं, नहीं पहले वीडियो नहीं बनाते थे, पहले लेकिन फोटोग्राफ अच्छा खींचने का है सर, शौक। सब लोग अपनी टेक्निक शेयर नहीं करते ना, तो ये बहुत अच्छा है कि आप सब शेयर कर देते हैं बच्चों के साथ। हाँ नहीं नहीं अच्छा है ना, कम से कम ये बच्चे वीडियो मैंने डाली भी हुई है ये अपने उस पे चैनल पे भी, यूट्यूब चैनल जैसे होते हैं। बहुत बड़े स्टेज अभी तो हैं मैंने रात को ही जो फोटोग्राफ मुझे नजर आए वो फटाफट मैंने डाले, आपके। मैं कुछ बच्चों को किले में काम करने का देखने का मौका तो मिलेगा। ये कास्टिंग से पहले के हैं ना आपके सब? कास्टिंग हाँ के हाँ लिए रेडी कर लिया? कास्टिंग से पहले के हैं, इसके बाद में ना हम मेटल में कास्टिंग वैक्स में वैक्स में आराम से बना सकते हैं इसके बाद में जो है। टेराकोटा में क्या होता है कि टेराकोटा में ना ले जाने लाने में बड़ी मुश्किल होती है,
हाँ तो डेलीकेट होता इंडिया के है। अंदर बड़ी डेलिकेट टाइप के इसलिए होते हैं क्योंकि 100 में कहीं ले जाओ तो टेराकोटा लेते भी नहीं है वो। फिर लगता है कि इतने अच्छे हमने काम किए हैं और हम इसको अगर कहीं 100 में हमें देना हो तो नहीं दे पाएंगे हम, क्योंकि वो टेराकोटा मांगते ही नहीं है, या तो वो सेरामिक के जो है वो मांगते हैं। पूरा वर्कशॉप है सर का। हाँ घड़ी में वर्षों पे ललित कला अकादमी का ही है ये। तो उसके बाद में फिर स्कूल के बाद में सिर्फ वहीं ज्वाइन करना होता है सीधा जाके। और अभी तो जो हम खांचा तैयार करते हैं वो वायर से हाँ वो करते हैं सर? प्लास्टर ऑफ पेरिस का ना, जी नहीं, ये नहीं आर्मेचर, सर, शुरू में आपने जो आर्मेचर कह आर्मेचर आर्मेचर। अच्छा हाँ, वो वायर से तैयार करते हैं सर? वो हमें देखना होता है कि हमें कितना बड़ा स्ट्रक्चर बनाना होता है। जी सर। अगर हमें छोटा बनाना होता है तो हम वायर से बना लेते हैं। वायर ऐसे रखें जो आराम से ना हाथ से मुड़ जाए, ओके सर। ज्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए और ज्यादा मोटी भी ना हो ताकि मुड़ ना पाए। ये है, अब जितना बड़ा स्कल्पचर होगा, बड़ा स्कल्पचर अगर होगा तो हम सरिये वगैरह से बनाते हैं, उसको वेल्डिंग करके बनाते हैं जी सर, ठीक। अंदर का आर्मेचर। वो इसलिए कि जो हम बनाते हैं, जो मिट्टी लगाते हैं, वो गिरे ना। ठीक सर। सर एक क्वेश्चन है आप मुझे, मनिंदर सिंह का है सर। हाँ जी, हाँ जी, हाउ बोलिए। हाउ स्केच और लेआउट इज हेल्पफुल टू मेक एनी वर्क? हमें पहले क्या स्केच होता है करना होगा कि पर नहीं? हाँ हाँ क्या होता है, जब हम शुरुआत जब करते हैं ना, शुरुआत में जैसे अगर मिट्टी में काम करना है, स्कल्पचर में अगर हमें खेलना कुछ करना है, तो उससे पहले ना हमें ड्राइंग करनी होती है कि हमें बनाना क्या है। ये सिर्फ सीखने के उससे बता रहा हूँ मैं आपको। जब हम किसी नई चीज को सीखने की शुरुआत करते हैं तो हमें स्केच बनाना होता है, और स्केच के बाद में हमें 6 इंच का, 5 इंच का एक मकेट भी तैयार करना होता है उसी को देखते हुए, ताकि हमें भविष्य में अगर उसको इनलार्ज करना पड़े तो हम उसको आराम से कर पाए। लेकिन जब हम एक प्रोफेशनल लाइन में जाते हैं, काफी साल काम करते हुए हो जाते हैं, 5 साल, 10 साल, 20 साल, उसके बाद जो ड्राइंग और जो मकेट की जो स्टेज है वो खत्म हो जाती है, और आर्टिस्ट जो है काम करते करते उसको विजुअलाइज करते हुए ही सोच के नया काम तैयार कर देता है। तो जो सीखने के लिए स्टेज, फर्स्ट स्टेज जो है वो जो इसलिए है कि वो हमें वो ड्राइंग करनी ही करनी है, ड्राइंग भी करनी है, उसके बाद मकेट भी बनाना है, वो जरूरी है उसके लिए। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, व्हाट हाँ आर द हाँ नेसेसरी टूल्स फॉर क्ले वर्क? देखो, नेसेसरी तो टूल ना कुछ भी नहीं है इसके लिए। अगर आपके पास एक नाइफ भी है, आप उससे भी काम कर सकते हो, लेकिन जो है कोई भी अपने हिसाब से, जैसे ये दो चार टूल हैं, लकड़ी के टूल हैं ये, एक मिट्टी खींचने के लिए और एक डिटेल बनाने के लिए, अगर दो टूल भी किसी के पास है वो आराम से कर सकता है। अगर टूल ना भी है, हाथ से काम करो, नाइफ ले लो हल्की छोटी वाली, उससे भी हम काम कर सकते हैं। टूल तो मिलते हैं बाजार में, वैसे पूरा किट मिलता है इनका, लेकिन वो नेसेसरी नहीं है, वो जरूरी नहीं है कि हम टूल से ही काम करेंगे, है जी सर। ना। अगर किसी बच्चे ने डिटेल काम करना है, एक एक आंख बनानी है, एक एक भौहें बनानी है उसकी आंख की, तो उसके लिए टूल चाहिए, क्योंकि उससे हम हाथ से उसको नहीं बना पाएंगे। ओके सर, ओके सर। डाइसेक्शन बॉक्स भी यूज करते हैं बच्चे, स्टील के टूल्स भी, डाइसेक्शन बॉक्स की हाँ स्टील हाँ के हाँ टूल्स भी बिल्कुल, यूज करते हैं बच्चे। वो टूल तो इसी में आ गए ना मैम, वो टूल हाँ तो टूल ही वो है, चाहे किसी के बना लो जो है ना। बस बनाने के लेकिन लिए क्या होता है पोर्ट्रेट कि जो बनाने। आर्टिस्ट है वो टूल ना अपने हिसाब से बनाते हैं सब लोग, और जहाँ भी जाते हैं वो ना टूल लेके जाते हैं। तभी हम लिखते हैं, हमेशा कैंप में भी लिखते हैं कि अपने टूल ना साथ लेके आना, सबके कि टूल्स टूल ब्रशेस नहीं देंगे हम। सब। तो यही है कि टूल का यही है कि टूल आर्टिस्ट को किस हिसाब से बनानी है, किस हिसाब से काम करना है, तो वो लेके आता है अपने हिसाब से, और एक दूसरे आर्टिस्ट के टूल यूज भी नहीं करता कोई। भाई हाँ पता नहीं आपको यूज किसने, नहीं करते। जी हाँ सब आर्टिजन्स के अपने टूल्स होते हैं। हाँ, अपने अपने हिसाब से टूल बनाते हैं कि हमें किस तरह से वो करती है। अब जैसे मैं जी देखो सॉफ्टनेस कर रहा हूँ इसके ना, ब्रश चला रहा हूँ थोड़ा पानी लगा लगा के, तो
अगर टेक्सचर नहीं देना है तो हम इसको ब्रश चला चला के इसको ना प्लेन कर सकते हैं, ब्लेड से इसको कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने इसको इधर से किया, देखिए एक बार सबसे जरूरी होता है जब हम काम करते रहते हैं तो काम करते करते हमें ये देखना है कि मिट्टी ना सूखनी भी नहीं चाहिए। अब जैसे ऊपर पंखा चल रहा है, मैं नीचे काम कर रहा हूँ, तो मोस्टली हम पंखा चलाते नहीं है। जब मिट्टी में काम कर रहे होते हैं तो पंखा नहीं चलाते हैं, चाहे कितनी भी गर्मी हो कितना भी वो हो। अभी तो चलो डेमो देना तो पंखा चला दो क्योंकि तो क्रैक व्रैक का कुछ चक्कर नहीं, और ये मिट्टी ऐसी है क्रैक भी नहीं हो जल्दी होती ये वाली। तो सर हमें इसमें कुछ मिक्स नहीं करना है, बस क्ले आई और पानी से गूंथ लेना है सर। इसमें इसका ना यही फायदा है, इसमें कुछ मिक्स करने की जरूरत नहीं है आपको। ओके सर। जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का कट्टा आता है पूरा, ऐसे इसका भी आता है, पाउडर के रूप में आता है ये। ठीक है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडियन क्ले और चाइनीज क्ले? नहीं ये चाइनीज क्ले है नहीं वैसे, ये क्या है कि जो चाइना के पहले कप प्लेट आते थे ना, चाइना के नाम से आते थे जी, तो इसलिए इनका इसका नाम रख दिया गया था जो है, लेकिन ये है इंडियन ही, इंडिया में बनती है, पाउडर के रूप में बनती है ये। लेकिन क्या है कि दोनों बराबर ही है, हमारी जो काली मिट्टी भी जैसे मिलती है कलकत्ता में तो काली मिट्टी आती है ना, मेन जो देहरादून वगैरह से लाते हैं वो मद्रास वगैरह से लाते हैं, एक लाल मिट्टी भी आती है, लाल मिट्टी आती है। तो लाल मिट्टी क्या है कि बहुत स्ट्रोंग होती है, लाल मिट्टी में लचीलापन ना बहुत ज्यादा होता है, तो पहले हम गढ़ी में लाल मिट्टी में ही काम करते थे, तो वो लाल मिट्टी भी अच्छी है, लाल मिट्टी में काम कर सकते हैं। मैं तो ये कहता हूँ मटेरियल की ना बाउंडेशन होनी ही नहीं चाहिए किसी के लिए, जो चीज मिल जाए आराम से उसमें ही काम करें, ये ना हो कि भाई लाल मिट्टी खोजने जाओ, ये पाउडर वाले क्ले खोजने जाओ। तो अगर हम इसको खोजते रहेंगे लाते रहेंगे तो इतना तो हमारा जो दिमाग में जो आइडिया है वही खत्म हो जाएगा। तो स्टूडेंट का तो यही है कि जो आइडिया अगर मतलब कभी उनके मन में आ जाता है तो उसको ना फौरन स्केच पे उतार ले, वो एक ड्राइंग के रूप में स्केच बुक में उतार ले कि हमने ये बनाना है पहले, ये सिर्फ सीखने के उस पे है। कई बार क्या होता है हम सो रहे हैं कुछ ऐसा आइडिया आ जाता है दिमाग में, अरे यार हमें तो ये बनाना है, तो 5-10 मिनट निकालें और उस आइडिया को अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर लें। मुझे याद है अच्छे से कि जब हम शुरू शुरू में हम काम करते थे तो मेरा रात को सपने भी इसी के आते थे कि हमें जाके सुबह ये बनाना है, हमें ऐसे चेंज करना है, हमें ये करना है, मतलब रात भर नींद पता नहीं कितने बार दिन रात को उठते थे एक चीज को बनाने के लिए। सुंदर मतलब यही है कि स्केच जरूर बनाएं और मकेट भी बनाएं शुरू में सीखने के लिए। तो और बताइए किसका क्या है? जी सर, सर व्हाट यू सिग्नेचर कास्टिंग मेथड एंड व्हाई यू चूज देम? क्या चीज? सिग्नेचर कास्टिंग मेथड एंड व्हाई यू चूज देम? क्या पसंद है सर, कैसे कास्ट करते हैं आप अपने जैसे क्ले में बना के, सबसे ज्यादा फेवरेट क्या है आपका, किसमें कास्ट करते हैं आप स्कल्पचर्स को? नहीं मैंने क्या है कि मैं अपनी बताता हूँ, मैंने पहले जो है मैं कास्टिंग के प्रोसेस से दूर रहता था, मैं सिर्फ स्टोन कार्विंग में काम करता था क्योंकि वो मुझे इतनी आसान लगती थी, आसान मतलब कि उसमें मैं डायरेक्ट अपनी भाव को अपने जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ डायरेक्ट उसके अंदर आता था वो, क्योंकि जो जैसा था वैसे ही काम करते करते छोड़ देते थे उसको, फिनिश कर देते थे। फिर मैं वुड में काम करने लगा, फिर वुड का भी वही था डायरेक्ट वाला जो है, मिट्टी में काम करने के बाद में जब हम उसको कास्ट करते हैं मेटल में ब्रोंज में, अभी मैं मेटल में काम करता हूँ, तो कास्ट करने के बाद जरूरी नहीं है कि जो मैंने बनाया वैसा ही निकल के आ जाए, वो पता लगा उसके होट ही नहीं आए कास्टिंग में, पता लगा इतना हिस्सा ही नहीं आया है वो, तो उसको फिर हम क्या करते हैं उसको वेल्डिंग के मेथड से उसको कंप्लीट करते हैं, उसके होट को बनाते हैं, उसके पीछे पार्ट को ही बनाते हैं, उसका उसका एक गाल ही ना आया और नाक ही ना आया, नाक को बनाते हैं वेल्डिंग कर करके, क्योंकि कास्टिंग दोबारा हो ही नहीं सकती क्योंकि पीस क्या है कि ये एक ही बार कास्ट होता है, इसको बोलते हैं लोस्ट वेक प्रोसेस, जैसे जो बनाया है वो एक ही बार कास्ट होगा हमारा जो है, अब पीस तो है ही नहीं हमारे पास, तो उसके लिए हमें उसको वेल्डिंग से कंप्लीट करना होता है। तो आपका फेवरेट मीडियम मेटल है फिर? अभी तो
मीडियम तो फेवरेट नहीं कहेंगे, अभी मैं सिर्फ काम उसमें कर रहा हूँ मेटल में, मेटल में, क्योंकि मेरा तो सारे ही मीडियम ही फेवरेट है, जो मुझे मिल जाए आसानी से वही फेवरेट है। अभी मेटल में कर रहा हूँ तो भाई मेटल फेवरेट हो गया, पहले मैं स्टोन में करता था वो मेरे लिए बहुत बेस्ट था, उससे पहले मैं वुड में कर रहा था वो मेरे लिए बेस्ट है, अब हो सकता है आने वाले टाइम में कुछ नया कुछ मिल जाए तो वो बेस्ट हो जाएगा मेरे लिए, जो आसानी से मिल जाए वही बेस्ट मानना चाहिए, मैं तो कहता हूँ। और आर्टिस्ट को ना हर स्टेज में अपने आप को ढालना चाहिए, मतलब मीडियम और ये मटेरियल हमारे लिए ना बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए किस तरह की भी, कि नहीं हमें ये चीज मिलेगी तभी हम काम करेंगे, ये टूल हमें प्रोवाइड होंगे तभी हम काम करेंगे, लाइट अगर आएगी तभी हम काम करेंगे, तो ये चीजें ना होनी ही नहीं चाहिए अगर आर्ट कर रहे हो तो। और एक ने पूछा है कि अगर हमें स्टार्ट करना है स्कल्पचर, मतलब वो फर्स्ट टाइम स्टार्ट करें तो कहां से शुरू करें, बिगिनर अगर वो, तो मिट्टी को गूंदने से स्टार्ट करें सिर्फ। पहले सिर्फ मिट्टी को ही गूंदे वो। अगर उसको मिट्टी गूंदनी सही से आ गई ना तो स्कल्पचर वो फॉर्म अपना भी गूंदते गूंदते उसको नजर आने लगेगी उसके अंदर जो है। कई बार आपने देखा होगा कि जब हम दीवारों की जो पपड़ी नहीं होती है वो निकल जाती है कहीं कहीं पे जी सर, या कई बार बादल जो है जब आते हैं बारिश से पहले जो है तो उसमें फोम नजर आने लगती है, तो वही ये है कि जब हम मिट्टी को गूंथेंगे अच्छे से, कभी इधर घुसा मारेंगे कभी इधर मारेंगे तो अपना फोम नजर आने लगेगी, तो वो गूंथते गूंथते ही बनाने भी सीख जाएंगे फिर। सर एक पूछ रहे कि वायर्स को कितनी मोटी रखनी है, हाउ थिक बोला कि वायर को ना अगर मतलब कितना बड़ा इसका जो बनाना है उसके हिसाब से मोटी रखनी है, छोटे स्कल्पचर के लिए तो ऐसी रखो ताकि वो आराम से मुड़ जाए, 4 mm की रख लो छोटे छोटे उसमें तो स्कल्पचर में, तो देखिए वो अपने हिसाब से एल्युमिनियम के रखते हैं वैसे हमारे लिए, तो हम जब पहले थे जो हैंगर नहीं आते वो एल्युमिनियम वाले जो आते हैं जी, उसको सीधा कर लेते थे उसकी वायर से काम करते थे, क्योंकि घर में अवेलेबल होता था आराम से, घर में से एक उतार लाए और लगाया और इसको लगा दिया शुरू में, वो आराम से मुड़ भी आता है वो जो एल्युमिनियम का आता था, अब भी आते होंगे एल्युमिनियम वाले, लेकिन सबसे बेस्ट होता है वो, तो आते हैं सर उस सबसे बेस्ट है, एक ले आओ एक स्कल्पचर तैयार है, कभी खराब भी नहीं होता वो, और लड़कियां भी मोड़, सबसे बड़ी बात है कि लड़कियां भी आराम से मोड़ लेगी उसको एल्युमिनियम वाले को जी, हाथ से मोड़े प्लास्टिक की जरूरत नहीं है उसके लिए। सर स्कल्पचर के सूख जाने के बाद क्या उस पर वार्निश करनी जरूरी होती है? नहीं बिल्कुल नहीं होती, इस मिट्टी के उसकी बात कर रहे हैं या कौन से वाले की बात कर रहे हैं? सर ये मिट्टी की बात कर रहे हैं कि मिट्टी में स्टैचू बनाया और उसको एज इट इज प्रिजर्व करना है, फिर नहीं नहीं उसको ऐसे ही सुखाना है, कास्ट ऐसे नहीं ही, उसको कपड़े को ढक के ही सुखाना है, मतलब खुले में नहीं सुखाना उसको, जैसे कपड़ा तो ढक दिया हल्का सा, वो धीरे धीरे करके डायरेक्ट हवा नहीं लगेगी उसके ऊपर, वो क्रैक नहीं आएंगे सर उसके ऊपर, ऐसे नहीं खुला छोड़ दिया तो कहीं ना कहीं क्रैक तो आ ही जाएंगे, वो उसको ढक के ही सूखने दो, आराम से तो सूख जाए तो तैयार हो जाएगा वो। कई तो उसमें कलर करते हैं लेकिन कलर क्या, मिट्टी का तो अपने आप में एक नेचर का इतना अच्छा है, इतना सुंदर लगता है वो सूखने के बाद में, है ना जी सर जी। कोट करने कर सकते हो लेकिन इसका तो अपना एक ही वो है, अपना एक भी नेचर इतना अच्छा है, इतना सुंदर दिखता है मिट्टी तो। सर आपका तो पूरा भी हो गया, एक घंटा भी नहीं हुआ अभी। पूरा काम हो गया, मैं तो कह रहा था, ये कह चाह रहा था कि जितने ज्यादा सवाल होंगे उतने जब आप बच्चों को फायदा होगा ना उस चीज का। जी सर हमारे पास लगभग 100 पार्टिसिपेंट्स जुड़े हुए हैं। कोई बात नहीं, मैं तो कह रहा था कि आपके पास 300 पार्टिसिपेंट हो, 300 सवाल हो कम से कम। 500 का वो था लिमिट हमारी, जूम पर ज्वाइन कर सकते हैं जुड़ पाए। ये देखो ना मैंने इस वजह से बना दिया, और अपनी जो ब्लैक टी है जो अभी मैं साथ साथ में पिए जा रहा हूँ। सर व्हाट इज द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ फायरिंग, ये मेरे ख्याल से मेटल के लिए पूछ रहा हूँ सर। मेटल का तो अलग अलग है, सब मेटल का ना अलग अलग नेचर है, अलग है। okay, कोई 16 से भी करता है, कोई 18 से भी कर देता है, कुछ मेटल के अकॉर्डिंग है, जैसा मेटल होगा उसके अकॉर्डिंग ही चलता है वो जो है उसका भी। तो अब यहाँ पे तो कोई सिल्ली में काम करता नहीं है, है ना, तो ये अलग अलग ही मेथड चलता है, किताबों में कुछ और लिखा होता है लेकिन पक जाता है उससे पहले ही जो है। तो मेटल का तो क्या है कि मेटल की ना, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या होता है कि हमारे यहाँ पे कोई फाइन मेथड नहीं है, कोई ऐसा नहीं आता है, मीटर नहीं आ रहा है जैसे कि उसमें लिखा हुआ था अभी तक टेम्परेचर हो गया है जो है। हम सब लोग भी जो थ्योरी में जो लिखा होता है, जो बाहर की थ्योरी है उसके हिसाब से सब बताते रहते हैं,
लेकिन मेटल आराम से पक जाता है 1800-1600 डिग्री के अंदर हो जाता है आराम से। लेकिन मेटल की जैसे उसमें तो ज्यादातर ब्रास ही होता है ना, अलग अलग तरह की चीजें होती हैं, तो आराम से हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एक मनु शर्मा का क्वेश्चन है, हाउ कैन वी डेकोर दिस विद कलर और पेंट एंड हाउ कैन वी स्टार्ट? क्या जी? हाउ कैन वी डेकोर दिस विद कलर और पेंट? हम इसको अब कलर करना चाहते हैं सर, वो इसके ऊपर, तो वो कैसे कर सकते हैं? देखो अगर मान लो कलर अगर करना है उनको, तो सबसे बड़ी बात है कि ये मिट्टी है, तो मिट्टी का मतलब हो गया अर्थ है, ये अर्थ है ना, तो इसके अंदर जो भी हम कलर लगाएंगे वो अर्थ कलर ही लगाएं तो ज्यादा अच्छा है। पोस्टर कलर लगा लो, पोस्टर कलर भी तो मिट्टी के वाले कलर, पानी वाले कलर ही आते हैं, पोस्टर कलर लगा लो। और ये अपने जो मिट्टी है, पीली मिट्टी, लाल मिट्टी, इस तरह की जो मिट्टी आती है, ट्रके अम्बर कलर आते हैं, इनको हम यूज कर सकते हैं। गोल्डन कलर जो आते हैं, पाउडर वाले कलर जो आते हैं, इनको हम यूज कर सकते हैं कलर को, है ना। तो इसके अंदर अगर हम कलर करने हैं तो इसके अंदर कोई भी कलर हम अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं कि हम कलर इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अभी जैसे सवाल आया था वार्निश का, सवाल जो आया था, अगर मान लो किसी को करना है तो हम कर सकते हैं, अगर मान लो किसी की नीड है कि हमें करना ही करना है तो। नहीं तो मेन क्या होता है कि जो इसकी जो नेचुरल जो ब्यूटी है ना वही रहे ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मिट्टी तो एक अपने आप में एक इतने सुंदर कलर इसका आता है, तो ये तो ज्यादा अच्छा तो अपने आप में रहता है। लेकिन अगर कलर करना है तो कर सकते हैं कलर के अंदर, तो वो नहीं है कलर का इसका। अगर हम जो है मिट्टी में टेराकोटा बनाते हैं ना, बड़ा टेराकोटा बनाते हैं, तो उसके अंदर तो पूरा टेराकोटा तो कास्ट होता ही नहीं है, उसको हम ना पार्ट में बनाते हैं, एक फुट का बना लिया या 6-6 इंच के बना लिया। मतलब देखना होगा कि हमें कितने फुट का टेराकोटा बनाना है, 4 फुट का टेराकोटा बनाना है तो हम उसको एक फुट के अंदर 4 पार्ट में ही बनाते हैं उसको। या हमें मेटल कास्टिंग करनी है तो उसको हम छोटे छोटे पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं, कटिंग करते हैं उसकी बकायदा, और उसकी हम फिर कास्टिंग करते हैं अलग अलग तरीके से, क्योंकि एक पार्ट में कास्टिंग होती नहीं, क्योंकि एक कम से कम अगर हाथ से उठाया जाए क्रूसिबल भी ना, तो 60 किलो 70 किलो 80 किलो इससे ज्यादा उठता भी नहीं जल्दी से। दो बंदों से सर एक क्रैक का पूछा है कि क्रैक ना आए स्कल्पचर में तो हमें क्या करना चाहिए? क्रैक ना आए इससे, इसके लिए तो हमें जो है सबसे बड़ी बात यही है कि जो मिट्टी को है, मिट्टी जो है उस मिट्टी को जितना हम गूंथ सके, मतलब उसको जो है हाथ से उसको मल सके ऐसे ऐसे करके, जितना हम उसके अंदर लचीलापन जो आएगा तो फिर क्रैक नहीं आएंगे। जितनी हमारी मिट्टी ना रफ रहेगी ना उतने ही क्रैक आएंगे उसके ऊपर। और दूसरा क्या है कि जैसे ये बना दिया हमने, अब मैं इसको हाथ से अगर धीरे धीरे दबाऊंगा ना इसको, तो ये क्रैक कभी होंगे नहीं। अब धीरे धीरे के मैं दबाता हूँ इसके अंदर, देखो अब ये कभी क्रैक आएंगे, अगर ये पूरा जो है इसमें हवा ही नहीं जाएगी, तो इसके अंदर की हवा निकल जाएगी धीरे धीरे, मिट्टी चढ़ाएंगे और हवा ना रहे अंदर तो फिर क्रैक नहीं आएंगे। नहीं क्रैक आएंगे नहीं इसके अंदर, बिल्कुल नहीं आएंगे क्रैक। अब धीरे धीरे करके मैं इसकी चलो डिटेल निकाल देता हूँ हल्के हल्के करके ना। सर सैंड कास्टिंग के लिए मोल्ड में मॉइस्चर कैसे कंट्रोल करते हैं? सैंड कास्टिंग के लिए जी सर, सैंड कास्टिंग में मॉइस्चर मेन क्या होता है? सैंड कास्टिंग तो हम करते नहीं है वैसे, सैंड कास्टिंग तो हम कराते हैं, तो कोई भी पीस हम दे देते हैं उनको, वो करके ले आते हैं सैंड कास्टिंग। जैसे कोई फाइबर का पीस दे दें उनको, या फिर मेटल का दे दें, या फिर उसके अंदर वुड का कोई पीस दे दें, तो वो तो सैंड कास्टिंग वाले जो है ना वो तो मेथड ही अलग है। हमारा वाला मेथड और उसमें ना बहुत अंतर है। वो जो मेथड है ना वो तो सिर्फ किसी को ना दबा देते हैं ऐसे, मिट्टी में दबाते हैं और उसको निकाल लेते हैं, उसमें फिर मेटल डाल देते हैं। उनका मेथड तो अलग तरह का है, एक से वो मतलब 500 पीस निकाल लेते हैं, 1000 निकाल लेंगे एक से, कई कई निकाल लेते हैं उसके अंदर जो है, तो वो मेथड ना अलग है वो, और उसका जो है सब कुछ अलग ही है तो उसका। तो मतलब सैंड कास्टिंग में तो ये है कि एक पीस के 1000-1000 पीस, 2000 जितने मर्जी निकाल लो उसके, देखे किसी को दबा के। जी
रेणु रानी शायद आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं. मैम प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क. रेणु रेणु रानी इफ यू वांट टू आस्क समथिंग. किसी का सवाल अगर है तो बोलिए. सर मजिंदर कौर सैनी ने पूछा है वेयर डिड सर फिक्स द वायर इनिशियली. मतलब हम लोग तार कहाँ पे बांधते हैं सर. इनको पेडेस्टल का नहीं बताना स्टार्टिंग में हमने की लकड़ी के बोर्ड पे या किसी चीज पे तार लगानी होगी. वो तो ना किसी भी प्लाई बोर्ड पे लकड़ी के बोर्ड पे. वैसे तो लकड़ी के बोर्ड पे लगानी चाहिए ताकि आराम से ना ठुक जाए. कील से नेल्स के द्वारा उसको ना ठोक ले नेल से. जैसे हम जैसे दो तार हम लेते हैं ऐसे करके एक तार को ऐसे मोड़ दें और एक तार को ऐसे मोड़ दें अपोजिट मोड़ दें उसको नीचे से ताकि वो आराम से रुक जाए. उसके ऊपर कील लगा दें ऐसे मोड़. हाँ कील लगा दें एरो करके उसके ऊपर. और वो सुतली को भी ना हम आपस में इतना बांध दें मजबूत करके ताकि वो दिक्कत ना आए उसके अंदर. मिट्टी चिपक जाए सुतली से. हाँ मिट्टी चिपक जाए. वैसे सुतली को ना पहले गीला करना होता है. पहले गीला करें. मैंने गीला नहीं किया था क्योंकि मैंने छोटा ही मगा गीला करूंगा तो फोन वोन रस्ता में रखा हुआ है तो फोन भी लग जाए. तो मैंने डायरेक्ट चिपका दिया है. लेकिन आप जब करोगे तो फोन के तो वीडियो का तो पंगा ही नहीं है. तो आप उसको सुतली को गीला करोगे और गीला करने के बाद में उसको फिर मिट्टी से काम करोगे तो उसमें क्या है कि आराम से पकड़ लेगी वो. अब मैं धीरे धीरे इसका डिटेल निकाल रहा हूँ क्योंकि टाइम तो जितना मर्जी लगा लो इसमें तो कोई वो है ही नहीं. सर एक ने मेटल कास्टिंग प्रोसेस थोड़ा पूछा है तो प्लीज एक्सप्लेन मेटल कास्टिंग प्रोसेस. उसमें क्या होता है कि जैसे हमने मिट्टी का बना लिया पहले ये ठीक है. मिट्टी का बनाने के बाद में हम इसका ना मोल्ड लेंगे. फिर मोल्ड हम लेना है जो हमें लेना है प्लास्टर ऑफ पेरिस का मोल्ड लेना है. उसका हमें मोल्ड हमने ले लिया तो मोल्ड लेने के बाद में हम क्या करते हैं उसी मोल्ड के अंदर फिर हम वैक्स का वो करते हैं. मतलब उसके अंदर वैक्स को लगाते हैं ब्रश से और एक थिकनेस रखते हैं कि जो हमारा जो मोल्ड है उस मोल्ड के अंदर वैक्स की एक जब नहीं बोलते परत एक पतली सी परत को चढ़ा देते हैं उसके ऊपर से. मतलब जितनी मोटाई एक बिस्किट की होती है ना बिस्किट जो आता है एक नॉर्मल जो बिस्किट आता है पार्ले जी का लगा लो जितना मोटा वो होता है ना बिस्किट इतनी मोटी एक परत जो है उसमें चढ़ा देते हैं मोल्ड के ऊपर हम. और वो बनाने के बाद में हम क्या करते हैं उसके अंदर फिर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस और अभी तो खैर ग्रोक लगाते हैं ग्रोक और प्लास्टर ऑफ पेरिस बराबर बराबर मात्रा में मिला के उसके अंदर भर देते हैं मोल्ड के अंदर. और जो मोल्ड हमारा था हम उस मोल्ड को हम तोड़ देते हैं ऊपर से ठीक है. तोड़ने के बाद क्या होता है कि जो हमारा जो वैक्स का जो पीस है वो बाहर आ जाता है जैसे पॉजिटिव की तरह. जो हमारा मिट्टी में था वो सेम चीज हमारी वैक्स में आ गई है. अब मतलब पहले मिट्टी में था हमने उसका मोल्ड लिया मोल्ड लेके उसको हम कास्टिंग की हमने वैक्स के अंदर और जो ऊपर का जो मोल्ड था उसको हमने तोड़ दिया. यानी कि जो मॉडल हमारा मिट्टी में था वो सेम मॉडल हमारा उसमें वैक्स में तैयार हो गया. इतना समझ में आ गया ना. जी जी सर. अब ये बनने के बाद में हमने क्या किया इसके अंदर हम मेटल डालने के वो लगाते हैं रनराइजर. एक रनर लगाते हैं जैसे ये यहाँ से एक रनर लगाते हैं मोटा है, गोल गोलाई में एक यहाँ से लेके यहाँ तक लगा देते हैं. उसकी थिकनेस हम मोटी रखते हैं और साइड में ना राइजर लगा देते हैं उसके चैनल चैनल जैसे नहीं होता चैनल लगा देते हैं. और चैनल भी कई बार देखा होगा आपने जब हम चैनल लगाते हैं सीधी तो चैनल ना ऐसे लगाते हैं ताकि वो नीचे से भरती हुई आए. अगर चैनल को हम इस तरह उल्टी लगा देंगे या किस तरह लगाएंगे तो वो भरती भी नहीं आएगी वो जाम हो जाएगी वहीं पर ही. तो एक हम रनर लगाते हैं और छोटे छोटे राइजर लगा देते हैं जैसे मतलब इसके यहाँ लगा दिया नाक पे लगा दिया पलक के ऊपर लगा दिया पतला सा यहाँ से लगा दिया इधर से लगा दिया. तो ये बहुत सारे रनर राइजर लगा देते हैं अंदर. उसके बाद में हम क्या करते हैं फिर ग्रोक और अपना ये प्लास्टर ऑफ पेरिस को मिला के
हम इसके ऊपर एक मोल्ड और ले देते हैं, यानी जो हमारा मॉडल था वो हमारा एक उसके अंदर बंद हो गया। बंद करने के बाद में हम उसको जाली से कवर कर देते हैं, उसको लगा के कवर हो गया वो हमारा। उसको हम पहले सुखाते हैं, जब हमारा वो 5 दिन 10 दिन में सूख जाता है आराम से, 20 दिन में सूख जाता है आराम से, उसके बाद में हम उसको जहां से नीचे होल होते हैं ना, ये जहां पे ये नजर लगाए हमने नीचे, उसको मोल्ड आ गया, उसको हम ऐसे कैसे रख देते हैं भट्टी के अंदर पकाने के लिए। तो जब ये गर्म होता है, जो नीचे जो वैक्स निकलने का जो चैनल है वो नीचे होते हैं, जब ये हीट ऊपर लगती है इसके ऊपर, तो जो वैक्स है इसके अंदर सारा जो वैक्स है वो रनर और राइजर के द्वारा सारा बाहर निकल जाता है। फिर हमारा एक मोल्ड और तैयार हो जाता है दूसरा मोल्ड। इतना समझ में आ गया सबको? जी सर जी। वो आने के बाद में हम उसको एक भट्टी और लगाते हैं मेटल को पिघालने के लिए। अब ये जैसे मोल्ड रखे थे हमने, इन मोल्ड को हमने उल्टा करके रख दिया और मिट्टी में दबा दिया इनको सबको मोल्ड को। अब मेटल को अलग से हम पिघालते हैं, पिघालने के बाद में जब मेटल पिघल जाता है उसको सफाई वफाई करके उसके अंदर, फिर इसके अंदर जो राइजर और रनर से हम डालते हैं। जब ये मोल्ड उल्टा हो जाएगा ना तो इसके ना होल नजर आते हैं, बड़े छोटे होल नजर आते हैं। तो जब हम मेटल को ऊपर से डालेंगे तो ये एक मेटल एक रनर में से जब डालेंगे तो सभी में से गैस निकलती है राइजर में से, तो सभी के अंदर ना मेटल अगर किसी में से गैस नहीं निकाल रही है तो हमें लगता है कि वो ना ब्लॉक हो गया है। फिर तो हम फिर उन राइजर में से भी मेटल को डालते हैं, और नहीं तो हम सिर्फ रनर में डालते हैं मेटल को और राइजर के द्वारा सब गैस निकल के ना मेटल ऊपर आ जाता है, तो हमें पता लग जाता है कि ये कास्टिंग सही हुई है, भर गया। और जो अगर किसी में गैस निकलती नहीं है तो हमें लगता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ होगी है, तो फिर हम क्या करते हैं उस मेटल को राइजर के अंदर से भी डालते हैं। जब ये हो जाता है, डल जाता है मेटल, फिर हम इसको क्या करते हैं एक दिन के लिए छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद में हम अगले दिन इसको तोड़ते हैं मोल्ड को पूरे को, और सैंड कास्टिंग में क्या होता है हाथ किया तो हम इसको तोड़ देते हैं, मतलब अभी कास्टिंग हुई है अभी निकाल दिया 5 मिनट के अंदर ही। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें हम एक दिन के बाद निकालते हैं, क्योंकि ये सारा चीज गर्म होती है, और गर्म होके क्या होता है कि हम जल्दी से अगर इसको छोड़ देंगे खोल देंगे तो ये ना फट जाता है, क्रैक हो जाता है जगह जगह से, क्योंकि अंदर का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा होता है और जो बाहर का जो टेम्परेचर हमारा है वो ज्यादा कम ज्यादा के चक्कर में ना क्रैक हो जाता है वो जगह जगह से, इसलिए हम खोलते नहीं उसको, अगले दिन खोलते हैं उसको, खोल देते हैं उसकी फिनिशिंग करते हैं। फिनिशिंग जब हमारी हो जाती है तो हम उसको पैतीना करते हैं अलग अलग रंग का, किसी को ग्रीन पसंद है, किसी को ब्राउन पसंद है, किसी को दोनों पसंद है, कोई ग्रीन भी चाहता है कि ग्रीन भी कुछ आ जाए, कोई ब्राउन भी आ जाए, तो सबका ना अलग अलग वो है। और वो इसलिए होता है इसमें पैतीना इसलिए करते हैं ताकि जो हमारा जो वेदर है उस वेदर का जो इफेक्ट है ना वो ना आए किसी की चीज के, मतलब चेंज ना हो उससे, मतलब जब हमने ब्राउन कलर किया है तो वो ब्राउन ही रहेगा फिर उसके, ऐसा नहीं होगा। जब कई बार देखा होगा आपने जो हमारी घरों की जो नल होती है ना, जो पीतल की नल होती है हमारी, जी सर जी, वो कुछ दिन के बाद में ना ग्रीन ग्रीन लगने लगती है, ग्रीन हो जाता है वो वेदर के साथ एक्सपोज हो जाता है। हाँ, लेकिन जब हम स्कल्पचर के ऊपर इसको करते हैं पैतीने को तो वेदर के साथ इफेक्ट उसका ना पड़ता नहीं है, चेंज नहीं होता वो। इसलिए जब हम स्कल्पचर बनाते हैं तो उसके ऊपर पैतीना कर देते हैं ताकि जो बायर या खरीदने वाले जो लोग हैं वो इसको ले लें, और जैसा वो लेंगे ना वैसे ही रहेगा फिर, वो चेंज नहीं होगा, ये फायदा है इसका। और बताइए सर, एक पूछा है कि अगर हम ये क्ले मिट्टी तैयार कर रहे हैं तो कितने दिन तक में तैयार हो जाती है, कितनी देर? एक दिन में वन डे ओनली, मतलब भिगोने के लिए अगर हम पाउडर को डालेंगे और डालते तैयार है, मतलब एक दिन में नहीं लगता, 2 घंटे लगते हैं।
मिट्टी को डालो और डाल के निकाल लो, और गीली जब मिट्टी होगी ना तो सूखा पाउडर मिलाकर उसको आटे से गूंद लो। जैसे मतलब कई बार ऐसा होता है जब आटा गीला हो जाता है तो उसको और मिलाते हैं ना, तो सेम ये प्रोसेस यही है। सूखा पाउडर है ही आपके पास, गीली मिट्टी को उसमें मिला लो। मुझे याद है कि जब हम एग्जाम देने गए थे कॉलेज ऑफ आर्ट के अंदर, हमारे जब फर्स्ट उसकी जो एग्जाम होते हैं ना, मतलब एडमिशन वाले एग्जाम होते हैं, तो हमें बिल्कुल गीली मिट्टी दे दी उन्होंने कि जी आपने इसका बनाना है इसके अंदर। तो ये देख लो, पहले तो यही था कि उस मिट्टी को सुखाएं कैसे, गीली मिट्टी से इसका तो बनेगा नहीं। और वो सुखाने के लिए हमें उसको सुखाना पड़ा, कोई बोरी के लगा रहा है, कोई प्लास्टर का जो मोल्ड है उसके ऊपर लगा रहा है, मतलब उसको बनाना पड़ा पहले। तो यानी वो भी उसका पार्ट था हमारा कि पहले मिट्टी तो बनानी आ जाए, जब तक तो इसको तो बनाओगे तो मतलब उन लोगों ने ये दिया था कि पहले मिट्टी बनाओ और तब बनाना स्कल्पचर, तो बात की बात है। तो तब एक सवाल नहीं था कि जो पूछ रहे थे कि शुरुआत हम कैसे करें। हाँ जी, हाँ जी। तो शुरुआत यही है कि पहले मिट्टी बनाना तो सीख लो, तो मिट्टी बनानी आ जाएगी तो फॉर्म अपने आप निकलने लगेगी। सर बिल्कुल सही, आटा गूंथना, वो आटा अगर बहुत पतला हो गया तो रोटी बनेगी कैसे सर? हाँ वही। तो ये शुरुआत में यही है कि सबसे पहले तो मिट्टी अगर सही ढंग से बन जाएगी तो हम आराम से उसमें काम कर सकते हैं। आप देख रहे धीरे धीरे करना, स्कल्पचर भी थोड़ा थोड़ा सूखने लगा है। अब मैं दिखाता हूँ इसका इफेक्ट ना, अपना आप चेंज हो गया है हल्का सा। एक मिनट दिखाता हूँ। एक क्वेश्चन पूछा भी है कि क्या हम आफ्टर टू और वन और टू डेज बाद इसकी शेप चेंज कर सकते हैं क्या सर? हाँ बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसको ना पहले हमें क्या करना होगा, देखो ये थोड़ा सूखने के बाद में ऐसा हो गया, चेंज हो रहा ना कलर इसका। हाँ जी सर। तो इसको हम चेंज करने के लिए हम गीले कपड़े ढक देंगे इसको, पहले गीला कपड़ा रखेंगे इसके ऊपर और इसको पॉलिथीन से ना कवर कर देंगे ताकि इसमें ना हवा ना जाए। मेन इसका खतरा यही होता है कि हवा अगर जाएगी तो ये क्रैक होगा, हवा अगर नहीं लगेगी इसको तो क्रैक नहीं होगा फिर ये। अभी देखो मैं इतनी देर से काम कर रहा हूँ, पंखा ऊपर चल रहा है लेकिन अभी तक क्रैक नहीं हुआ ये, क्योंकि दबा दबा कर रहा हूँ या फिर गीली मिट्टी है अभी ये, हवा का कहीं स्रोत अगर छूटेगा तो क्रैक होगा ये। अब ये दो चार घंटे क्रैक नहीं होगा। और मिट्टी का तो ये है कि मिट्टी को हम ना किसी भी स्टेज में कुछ भी अगर चेंज कर सकते हैं। मान लो मैंने एक फेस यहाँ बनाया है, मुझे लगता है कि यार एक फेस और बनाना चाहिए, तो मैं यहाँ एक मिट्टी लगा के यहाँ भी एक फेस बना सकता हूँ, या यहाँ एक फ्लावर बना सकता हूँ, या किसी एक हॉर्स का फेस बना सकता हूँ, या कोई बुक बना सकता हूँ। मतलब वो क्या है कि इसमें पॉसिबिलिटी इतनी ज़्यादा है मिट्टी में, हम हर स्टेज के अंदर इसको कुछ ना कुछ नया रूप दे सकते हैं। मतलब उसमें वही है ही नहीं कुछ भी कि भाई हमें नया रूप नहीं देना, हमें चेंज नहीं करना है कुछ भी, तो हम चेंज इसको कर सकते हैं। देखो हमारे ऊपर है हमें क्या चेंज करना है, कुछ निकालना है नहीं निकालना है। सर व्हाट इज पैटिना? पैटिना का ये है कि पैटिना एक है ना इस स्कल्पचर का एक पार्ट होता है, इस स्कल्पचर को फिनिश करने के बाद में हम उसको ना पैटिना लगाते हैं ताकि वो वेदर में उसका ना इफेक्ट कोई चेंज ना हो। अभी बात तो हो रही थी उसकी वेदर पैटिना की जो है। सर सब लोग नहीं बताते ये, इसलिए पूछ रहे हैं, ये नया वर्ड है लोगों के लिए। अब मैं कुछ कहूंगा नहीं क्योंकि ये पैटिना ना लोग नहीं बताते हैं कि कौन सा पैटिना कैसे, वो बहुत लंबा प्रोसीजर, वो प्रैक्टिकल से आता है वैसे आता भी नहीं जल्दी से, कौन से पैटिना क्या करना है क्या नहीं करना है। जब काम करते रहते हैं तो फिर धीरे धीरे करके वो लगाना सीख लो, किस तरह लगाना होता है, तो वो लंबा प्रोसेस क्योंकि काफी तो कास्टिंग ही नहीं हो पाएगी। बच्चों के लिए सबसे यही है कि ये बनाओ और टेराकोटा करा लो, वो ज्यादा अच्छा है, है ना। अगर टेराकोटा के लिए नहीं है तो उपले जैसे मिल जाते हैं गांव में, तो अपने उपले नीचे दबाओ और उपले ऊपर रख दो और वो तैयार हो जाएगा, उसे पक जाते हैं आराम से। गड्ढे में करा जा सकता है आराम से। गड्ढे में करा लो, कॉलेज में आराम से कर लेते हैं कई जगह, हाँ आराम से हो सकता है, कोई वो नहीं है। और कई बार क्या है कि एक बार क्या हुआ, जैसे हमारे कुछ प्रोग्राम था तो टेराकोटा ना मिट्टी की वो हमने बनाई, वो टाइल टाइल पे म्यूरल बनवा दिया, तो सब बच्चों ने 3D बनाया, अलग अलग बच्चों ने अपने अपने हिसाब से बनाया। जब सबने बना लिया तो हमने उसको फायरिंग करा दिया, फिर वन बाई वन की टैल थी, टैल को करके ना फायरिंग करवा दी फिर हमने, और कराने के बाद में जो है हमारा कॉलेज था उसकी दीवार पे हमने लगवा दिया, उसको म्यूरल बन गया बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। भाई अगर 300 स्टूडेंट है तो 300 टैल लगी ना, तो यानी कि 300 फुट का एरिया जो है
वो आराम से कवर हो गया। ये देख लो उसके अंदर बच्चों का काम भी है, बच्चे आगे दिखाते देखो मेरा काम वहां लगा है, मेरा काम वहां लगा है, एक इंटरेस्ट भी पैदा हो गया है और स्कूल भी डेकोरेट हो गया है, कॉलेज डेकोरेट हो गया है उससे। तो ये तो क्या है कि आर्ट से कैसी चीज ना एक अवेयरनेस फैलाती है हमारे अंदर। एक मेटा कास्टिंग में गॉर्ग पूछा है किसी ने, क्या चीज, व्हाट इज गॉर्ग इन मेटल कास्टिंग? देखो ऐसा तो कुछ है नहीं कि कोई गॉड, गॉड की बात कर रहे हैं ना, जी यू आर जी ई, जी यू आर जी ई, सनी सर क्या पूछना चाह रहे हैं? ग्रोक, ग्रोक की बात कर रहे होंगे, ग्रोक, ग्रोक। हाँ जी सर, मैंने बताया तो जो हम प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ में ना ग्रोक मिलाते हैं फर्स्ट कोटिंग में ना, कहते हैं जी जी सर। हाँ तो ग्रोक, तो हमने ग्रोक मिलाते हैं उसके साथ में प्लास्टर के साथ में जो है। अच्छा। तो वो जो मैंने मेथड जो बताया था वो ये कि ग्रोक और प्लास्टर को मिलाकर ही मोल्ड बनाते हैं जो मेटल कास्टिंग के लिए, ग्रोक है वो। ओके सर, आई थिंक और कोई क्वेश्चन तो नहीं सर, क्वेरी नहीं है चलो बहुत बढ़िया सर, सब सही, सब सेटिस्फाइड हैं सर, बहुत अच्छी मैसेज आए हुए हैं। नहीं किसी का कोई जवाब आ रहा हो, किसी को पहले भी उन्होंने काम किया है लेकिन इतना वो सेटिस्फाइड नहीं हुए थे पहले, आपके सजेशन से और आपके आंसर से वो सेटिस्फाइड है सर। नहीं वो अगर कोई दिक्कत किसी को कुछ है तो वंदना मैडम को लिखवा देना क्वेश्चन अपने जो है सारे जो है ना उसके जवाब, और वो किसी को कोई दिक्कत है तो वंदना जी से बात करें। आपका नंबर शेयर कर लेंगे सर हम इन टेलीग्राम ग्रुप में, तो वीडियो जिसको है, भी वीडियो में नंबर है। हाँ वीडियो तो मैंने भेजी है ना, वीडियो जो जी जी है नंबर सारा, यूट्यूब चैनल है वो शेयर कर लेंगे सर टेलीग्राम ग्रुप में, तो सब इजीली आपसे कांटेक्ट कर पाएंगे। ठीक है चलो जी, चलो बहुत बढ़िया राज जी सर, जरूर जरूर सर, एक बार पूरा स्कल्पचर दिखाएंगे चारों तरफ से। हाँ हाँ ये आज की सोच को दिखा रहा है सर, कान की जगह होली होने चाहिए, कान सुनी हुई बातें दिमाग तक नहीं जानी चाहिए। ये तो मैंने बनाया नहीं ना, कहा ये कान का मतलब होली हो गया क्योंकि जाकर सबको सुनना चाहिए, बड़े बड़े सुनो और उधर से निकाल दो सर। यही सोच है, क्या हो रहा है ना, मैं इसको उठाता हूँ क्या ना, मैं कैमरे को ना नीचे ना लेवल भी नहीं बन रहा ना, तो उसकी वजह से भी थोड़ा बोल रहा है, लेवल में आ ही नहीं रहा वो। सर इसकी स्कल्पचर की खासियत ये है कि इसको जिस एंगल से देख रहे हैं अलग ब्यूटी निकल रही है इसकी, अलग दिख रही है। मेन ये क्या होता है स्कल्पचर, जब हम पेंटिंग हम देखते हैं तब 2D हमें नजर आती है। हाँ मल्टी डायमेंशन। हाँ और कभी भी ना मेरा ना सुबह मैं टाइटल दे देता हूँ, लेकिन टाइटल ना मजबूरी में देता हूँ, बिना टाइटल के यही काम करना चाहिए, टाइटल शायद रिस्ट्रिक्ट कर देता है उसके। हाँ वो फिर ना उसी हिसाब से सोचने लगते हैं। हाँ आती है कि नहीं नहीं फिर बताओ लोग वो करते हैं, तो इसलिए देखा देखी हम सब लोग करने लगते हैं। लेकिन क्या है कि वैसे स्कल्पचर का तो यही होता है कि अपने हिसाब से ना सोचना चाहिए, हर एंगल से नया दिख रहा है ये। ये देखो थोड़ा मैंने इसका रिदम भी दिया है, मोड़ा भी ऐसा सीधा नहीं है, रिदम है पूरा रिदम, और डिफरेंट डिफरेंट एंगल से अलग अलग दिख रहा है। दिस इज सुंदर। अब देखो तो यहाँ भी एक फेस नजर आ रहा है, मैंने फेस बनाया नहीं है लेकिन दिखने में तो नजर आ रहा है, एग्जैक्टली आ रहा है। अब वही है कि जितनी देर काम करोगे काम और भी काम हो सकता है, कितना भी काम हो सकता है। नहीं नहीं काम तो इजी है, काम तो बहुत इजी है, काम में तो वो है ही नहीं, लेकिन वो ये कि कितनी देर कर रहे हैं, कितना वो कर रहे हैं, इसके हिसाब से ना। सर आपने बिल्कुल सही कहा था कि आर्टिस्ट को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता सर, और जो मैंने आपका बायोडाटा और रिज्यूमे पढ़ा सर, मैं उसको शब्दों में कह ही नहीं सकती थी सर। नहीं नहीं कोई नहीं होता, कल्चर तो वैसे ही सब कुछ अपने आप ही बोल रहे सर, आर्टिस्ट की कलाकृति अपने आप ही बोलती है। मुझे भी अच्छा लगा कि चलो वंदना जी ने बोला, छवि ने बोला,
और मैं प्रिंसिपल मैडम को धन्यवाद, चलो बच्चों से बात करने का मौका दिया, उनके सवालों का जवाब। मुझे अमूर्त से मूर्त की तरफ आपकी ये जो यात्रा रही बहुत ही अच्छी लगी है। जी जी, रचनात्मक धर्म के साथ माटी से जुड़े, माटी के आप और माटी के अनमिट आपने सौंदर्य यहाँ दिखाया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आप सबका भी। थैंक यू सर। ओके थैंक यू। थैंक यू सभी। अच्छा था ना? बहुत अच्छा। हाँ सबसे बहुत सुंदर बना। चलो ओके बेटा, कल मिलते हैं।